हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलते हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में देखा था, यानी कि फोर्थ वीडियो हमने लास्ट वीडियो थी लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने देखा था प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके बारे में हर एक पार्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ा था। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये जो है वो सब टॉपिक है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का ही। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो यार इस वीडियो को देखना है, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। सो बिना टाइम का वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या होता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाई द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जब भी कोई भी फार्मासिस्ट कंपाउंड या फिर डिस्पेंस कर रहा हो किसी भी मेडिसिन को, तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिसीविंग, रिसीव करता है वो, मतलब हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वो रिसीव करेगा, पढ़ेगा और चेक करेगा, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, कलेक्ट करेगा जितने भी मेडिसिन, जो भी सॉल्ट लिखा है उसमें सबको कलेक्ट करेगा, और जितना जितना वेट लिखा है उन सबको वेट करेगा मटेरियल्स को। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, उनको कंपाउंड यानी कि बनाएगा, प्रिपेयर करेगा, लेबलिंग उस पर लेबल लगाएगा कि वो क्या चीज है और उसको पैकेज करके दे देगा। सो हम हर एक टॉपिक को अब डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रिसीविंग। रिसीविंग में द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिवाइज फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। व्हाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट दैट इज सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग दिस प्रिस्क्रिप्शन। हमें जब भी रिसीव करेंगे, हम जब भी उस पर्ची को पढ़ेंगे, तो हमें कभी भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है, इम्प्रेशन चेंज नहीं करना है, ताकि हमारा गलत इम्प्रेशन ना पड़े पेशेंट के ऊपर, ताकि वो सरप्राइज ना हो कि हमें उस दवाई के बारे में नहीं पता या फिर हम कुछ भूल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके बारे में ना पता लगे। तो ऐसा कुछ हमें इम्प्रेशन नहीं देना, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में तो लिखा है। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर के पीछे लेकर के पढ़ना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और डायरेक्शंस द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। अगर किसी भी फार्मासिस्ट को कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज में भी, इंग्रेडिएंट्स में, डायरेक्शंस में, तो उसको किसी और फार्मासिस्ट या प्रिस्क्राइबर से कंसल्टेंट एक बार कर लेना चाहिए। थर्ड आता है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शंस ऑल द मटेरियल शुड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। हमेशा जो भी मटेरियल, जो भी सॉल्ट, जो भी चीज लिखी हुई है उसके अंदर, वो हमें कलेक्ट करना चाहिए और हमेशा वेइंग मशीन के लेफ्ट और रखना चाहिए। आफ्टर वेइंग मटेरियल्स, मटेरियल को वे कर करके हमें राइट साइड कर देना चाहिए। जितना भी बैलेंस लगाया 10 ग्राम 20 ग्राम उसको वे किया राइट साइड रख दिया, वे किया राइट साइड लिख दिया। अब अगर हमने सारे चीज को व्हाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बोटल शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम इन ऑर्डर अवॉइड एनी एरर। हमें जो लेबलिंग को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी एरर ना आए, एरर से बचने के लिए। व्हेन टेक फ्रॉम द सेल्फ और डोर, फर्स्ट टाइम जब हम सेल्फ से निकाल रहे हों उस टाइम, सेकेंड जब हम उसमें से वेइंग के लिए सामान निकाल रहे हों, कंटेंट को रिमूव कर रहे हों, एंड थर्ड टाइम जब हम उसको वापस ड्रॉअर में अपनी जगह पर रख रहे हों। सो फोर्थ आता है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन अ नीट प्लेस। हमेशा दवाइयों को साफ जगह पर रखना, बनाना चाहिए जहां पे मिट्टी वगैरह हो वहां पे नहीं, या फिर बनाने से पहले हमें सफाई कर लेनी चाहिए उस जगह की। जितनी भी इक्विपमेंट हम यूज करने वाले हैं उनको एक बार साफ कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। रिक्वायर्ड शुड बी थ्रोली क्लीन एंड ड्राई। जिस चीज की भी हमें जरूरत है उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और सुखा लेना चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन को एक बार हमें सिर्फ एक ही प्रिस्क्रिप्शन के कंपाउंड को बनाना चाहिए, प्रिस्क्राइब की हुई चीजों को बनाना चाहिए। द कंपाउंड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड इन सुटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी एंड यूज। हमें जब भी कंटेनर को हम यूज कर रहे हैं तो उसे ज्यादा फिल नहीं करना चाहिए ताकि वो गिरे ना या फिर कोई प्रॉब्लम ना है नापने में।
The filled container are suitable labeled white plain paper of good quality while the used of labeling the container. जब हम कंटेनर की लेबलिंग कर रहे हो तो हमें व्हाइट प्लेन पेपर के यूज होना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि बाद में कोई सॉल्ट वगैरह गिर गया वो पेपर खराब ना हो, वो मिटे ना. द कंटेनर इज पॉलिश्ड सो एज टू रिमूव द फिगर प्रिंट. जो भी उस पर फिगर प्रिंट लिखा हुआ है वो मिटे ना, उसे रिमूव ना करें. वाइल डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन द पेशेंट द प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन फॉर यूज एंड स्टोरेज. जो भी हम दवाई बन गई उसको डिस्पेंस करने टाइम पेशेंट को ये बताना चाहिए उसको खाना कब है, कैसे खाना है, कैसे यूज करना है और उसको स्टोर करके कैसे रखना है. सो नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन को आजकल कैसे लिया जाता है. Nowadays the majority of the drugs are available in the market as ready-made formulation manufacturing by different pharmaceutical companies. आजकल दवाइयां जो है वो कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा रेडीमेड बनाई हुई आ जाती है मार्केट के अंदर. द ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑफिशियल नेम एंड नॉट बाय द प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम. वो उसके ऑफिशियल नेम से भी प्रिस्क्राइब होती है बल्कि उसके प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम से फेमस नहीं होती है, वो ना ही प्रिस्क्राइब की जाती है. देयर आर सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग्स विच आर एज अंडर. आपने ब्रांड नेम सुना ही होगा, तो ब्रांड नेम की वजह से कई सारी एडवांटेजेस भी आ जाते हैं और डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं. बट जो हमारा जेनरिक नेम होती है दवाइयों की वो हमेशा ही हमारे लिए सुटेबल होता है. अब एडवांटेजेस क्या है. इट इजी टू रिमेम्बर प्रोप्राइटरी बिकॉज इट्स वेरी कैची. जो हमारे प्रोप्राइटरी नेम होते हैं वो बहुत ही कैची होता है, उसको याद करना आसान हो जाता है. इट इज इजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट. और वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में, बात करने में आसानी रहता है, वो बोलने में आसानी रहता है पेशेंट. द कंटिन्यू कैन बी मेंटेन बाय प्रिस्क्रिप्शन द सेम एज प्रोप्राइटरी नेम एवरी टाइम. अगर हम मेंटेन करके रखते हैं कोई भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमेशा हम प्रोप्राइटरी नाम ही हर बार बोलते हैं. द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग चेंज विद द चेंज ऑफ एडजुटेंट्स यूज्ड इन ड्रग फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट. डिसएडवांटेजेस क्या है. मैन्युफैक्चर सो एज दो प्रोप्राइटरी प्रिस्क्राइब हैज द बेटर बायो अवेलेबिलिटी. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज चीपर टू प्रिस्क्राइब द ड्रग बाय इट्स ऑफिशियल नेम. बहुत सस्ता होता है उसको अगर हम ऑफिशियल नाम से प्रिस्क्राइब करें तो. इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ड्रग सच एज द अवेलेबल इन द स्टॉक. अगर उसके स्टॉक में उसकी जगह कोई और दवाई भी है तो उसकी जगह मतलब उसे सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आती है. देयर आर फोर टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच आर जनरली रिसीव टू द रिटेल ड्रग स्टोर. अगर रिटेल ड्रग स्टोर की बात करें तो वहां पे नॉर्मली हमें चार तरह की प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेड फॉर आउट पेशेंट एंड हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेड इन इन पेशेंट. आपने ओपीडी तो सुना ही होगा. ओपीडी की फुल फॉर्म ही होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन. जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन. Always keep the prescription before you take the prescription with you while taking the medicines from the shelf. जब भी हम शेल्फ से दवाई निकाल रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए. Always check the dispensing balance before weighing and ingredient which are required and help to avoid mistake. Problem ना हो, mistake ना हो, इन बातों को avoid करने के लिए हमेशा हमें weighing machine को एक बार check कर लेना चाहिए. रिप्लेस कंटेनर ऑफ स्टॉक प्रिपरेशन और ड्रग्स इन देयर प्रॉपर पोजिशन आफ्टर यूज. यूज करने के बाद उसे अपनी जगह पे वापस रख देना है जहां से हमने निकाला था. कीप द लेवल इन अपर पोजिशन ड्यूरिंग वेइंग इंग्रीडियंट स्पेशली नॉट द पोशन ड्रग सच एज मॉर्फिन हाइड्रोक्लोरिक. रिमेंबर टू करेक्ट ड्रग इज बीइंग यूज्ड. हमेशा उसके जो अपर की पोजिशन की लेबलिंग होती है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. वेन पोरिंग और मेजरिंग द रिक्वायर्ड इंग्रीडियंट्स. यार मैं इतना सारा नहीं पढ़ रहा, ये रटने वाली चीजें हैं, तो गाइस आप लोग इसको ढंग से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लो, लिख लेना, नोट्स बना लेना, काफी हेल्पफुल होगी. नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज ऑफ एरर इन अ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन सी एरर्स आ सकती है. फर्स्ट एब्रीवेशन. एब्रीवेशन एरर में क्या है. एब्रीवेशन प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर. कई सारी दवाइयां जो होती है जिनको हम बोलने में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है. लाइक एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इंटरप्टिंग द एब्रीवेशन. फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस द मीनिंग ऑफ द एब्रीवेशन. मतलब अगर उसको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो वो बोलेगा कि दोबारा इसको प्रिस्क्राइब करके ले आओ, बट वो कभी भी उसका तुक्का नहीं मारेगा, गैस नहीं करेगा. नेम ऑफ द ड्रग्स. कई सारी ड्रग्स होते हैं जिनके नाम सिमिलर होते हैं. लाइक देर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड अलाइक, दोज आर सेम ड्रग्स. लाइक दो नाम सेम होते हैं. हमने किसी को बोला कि डिजोटॉक्सिन लिया तो वो क्या ले आएगा, डिजोक्सिन ले आएगा. मतलब डिजिटॉक्सिन एंड डिजोक्सिन इन दोनों के साउंड सेम है,
बट ये हैं दोनों अलग अलग ड्रग्स, तो इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, एरर्स की चांसेस हो जाती है। नेक्स्ट आता हमारा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। इट इज एसेंशियल टू स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट और अवेलेबिलिटी इन मार्केट। कई बार हमारे पास सेम ड्रग 650 mg में होता है और 500 mg में होता है, तो हमें देने से पहले उसकी स्ट्रेंथ को एक बार चेक कर लेना चाहिए। डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स प्रिस्क्राइब, जो हमें ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वो किस डोजेस फॉर्म में है वो एक बार देखना चाहिए, लाइक लिक्विड में है, टैबलेट में है, कैप्सूल में है, किस चीज में है। नेक्स्ट आता है हमारा डोज। यूजुअली हाई और लो डोजेस डिस्कस इन अ प्रिस्क्राइबर। पीडियाट्रिक डोजेस माय प्रेजेंट, सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पीडियाट्रिक पैथोलॉजी टू अवॉइड एन एरर। बच्चों को जब हम दवाई देते हैं तो किसी एरर से, एरर की प्रॉब्लम ना है, तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा उसका डोज कैलकुलेट करना चाहिए। और बड़ों को भी अगर हम दवाई दे रहे हैं तो जो भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम वाले ड्रग हैं उनका डोज एक बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए। समटाइम्स अ रीजनेबल डोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू फ्रिक्वेंटली। कई बार जो है कुछ रीजनेबल डोज को मतलब बिना किसी प्रॉब्लम्स के कोई भी खा लेता है, तो उसका ध्यान रखना है, ज्यादा ड्रग्स नहीं देनी है, जितनी डोज लिखी है उतनी ही देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट आर गिवन इन अ प्रिस्क्रिप्शन इनक्लाइबर और एमिडेट। कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है जो कि तुम्हें इनकम्प्लीट हो या फिर पता ना हो, उसकी जगह कुछ और बोल दो। तो इसका ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है। द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन, द फ्रीक्वेंट एंड टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। किसी भी कन्फ्यूजन में मतलब कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हमें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली करवाना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे अगर नहीं है तो। अगर है तो हमें इन्फॉर्मेशन सही देनी चाहिए, उन्हें सही से बताना चाहिए जो भी हमारे पेशेंट है उनको। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्पेटिबिलिटीज। इट इज एसेंशियल टू चेक देर आर नो दो फार्मास्यूटिकल। हमें ये चेक लेना चाहिए उसको कोई और दवाई पहले से तो नहीं चल रही है, ताकि उसके साथ इंटरेक्ट होकर के वो कोई इनकम्पेटिव दवाई बना ले। सो अगर पहले से कोई दवाई चल रही है तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा करके दोबारा उस पर लिखवाना पड़ेगा कि इसकी ये दवाई चल रही है, इसको हम दवाई दें ना दें। सो कई दो दवाई एक साथ काम कर जाती है गलत और एक साथ काम कर जाती है सही। सो हमेशा हमें इनकम्पेटिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन विथ मील्स सिंस इट सिग्निफाइंग डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम खाने के बाद, खाने से पहले या फिर खाने के बीच में ये प्रिस्क्राइब करना होता है, तो प्लीज प्रिस्क्रिप्शन में अच्छे से देख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें दवाई प्रिपेयर करके डिस्पेंस करना चाहिए। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सोर्सेज ऑफ एरर्स और हैंडलिंग कैसे करके उसको डिस्पेंसिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड आपको अगर इसमें से नोट्स बनाने हैं तो यार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हो, मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे होम।